सलाम मेरे अजीज पंखो, मैं ना बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आज, बहुत ज्यादा। मुझे डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है या दुख है मुझे नहीं पता, लेकिन अफसोस उससे भी ज्यादा है। आज की वीडियो सीरियस है, इसमें कुछ जोक्स जुकते नहीं है, क्योंकि आज मैं वाकई बहुत तपी हुई हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट नजर नहीं आए तो मैं बता दूं, वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है, तो रोल विद इट। कल जुम्मे के दिन ट्विटर पे राबी पीर ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। अब वो ट्रेंडिंग में क्यों थी तुम सबको बहुत अच्छे से पता है। बहुत ही अजीब बात है कि वो बंदी नाते भी पढ़ती थी और कश्मीर के बारे में बोलती भी थी, लेकिन वो बंदी उस वजह से कभी ट्रेंडिंग पर नहीं आई। अब इस सारे सीन में लोगों के ना दो तरह के रिएक्शन है। पहला रिएक्शन, देखो जरा इसको भी वीडियो लीक हो गई इसकी, ऊपर से कितनी शरीफ लगती थी, कर दो देखो जरा इसके, भाई लड़कियां से काम करती ही क्यों है, अच्छे घर की लड़कियां ऐसा थोड़ी करती हैं। सांप बिच्छू पालने वाली के अपनी आस्तीन में सांप निकलाए और भेजो लड़कों को प्राइवेट वीडियोस, बहुत चंगा होया दे नाल। एक रिएक्शन तो ये था, और दूसरा रिएक्शन, मेजोरिटी लोग कुत्तों की तरह लीक वीडियोस की तलाश में थे। हर कोई हर किसी से वीडियो मांग रहा था, और जिसके पास वीडियो थी उसका सर फखर से इतना ऊंचा था। लेकिन वो वीडियोस तो तुम्हें फ्री में तो देगा नहीं, या तो उसको ट्विटर पर फॉलो करो या उसकी ट्वीट को रीट्वीट करो, उसके बाद शायद वो तुम्हें वीडियो दिखाई दे। लेकिन मुझे ये बताओ, किसी की इज्जत को सरेआम रोलने में क्या मजा आया, क्या मिल गया वीडियोस देख के, कौन सी जन्नत कमा ली, कौन सी नेकियां इकट्ठी कर ली। अब राबी ने वीडियोस बनाई है, उसका जाती मामला है, अपने घर के बंद कमरे में वो क्या करती है उससे मेरा या तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो वीडियोस किसी को भेजती थी या नहीं, इससे भी मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम इधर बैठ के उसके किरदार को डिस्कस कर रहे हैं। उसको गालियां देने वालों, मुझे बस ये बता दो कि क्या तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि तुम अपने फोन को अपने माँ बाप के हाथ में दे सको। तुम्हारी चैट्स, तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, तुम्हारी फोन गैलरी क्या ऐसी है कि जिस स्पेस पे तुम्हें बा किरदार और एक शरीफ इंसान कहा जा सके। राबी को जलील करने वाले बस मुझे इतना बता दें कि क्या वो खुद लड़कियों के इनबॉक्स में उनकी तस्वीरें नहीं मांगते, एक तस्वीर लेने के लिए भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगते। तो पहले ना जरा अपने किरदार पे नजर करम फरमाओ, उसके बाद ना किसी और की इज्जत को सरेआम रुसवा करना। लेकिन लड़कियों तुम भी होश करो, तुमसे जो तुम्हारी तस्वीरें मांग रहे, क्या तुम्हें लगता है वो आदमी तुम्हारे लिए सीरियस होगा? इस तरह की फरमाइशें करने वाला तुम्हारी इज्जत नहीं करता, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत क्यों करेगा? प्लीज पिक्चर भेज दो, देखकर डिलीट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो वाकई डिलीट कर देगा? डिलीट करके मैं तो कहती हूँ दो रकात नफल पढ़ के अल्लाह से तौबा भी करता होगा। नहीं बहन, तुम्हारी पिक्चर सिर्फ वो खुद नहीं देखता, उसके लफंगे दोस्त भी देखते हैं। तुम्हारी एक तस्वीर कितनों के फोन गैलरी में होगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। यार लड़कियों क्यों बेवकूफ बनती हो, औरत के पास उसकी इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। मर्द को तो भाई कोई नहीं पूछता। पिक्चर लीक होने पर तुम्हें लानते मौसूल होंगी, पिक्चर लीक किसने की, उसने मांगी क्यों, पिक्चर लेने के लिए उसने तुम्हें फोर्स क्यों किया, वो कोई किसी मर्द से नहीं पूछा जाता। तो लड़कियों होश करो, लोग ना बड़ी चलाकी से ट्रस्ट क्रिएट करवा लेते हैं, बाद में तस्वीरों की भीख मांग के पिक्चर्स भी निकलवा लेते हैं। तो जो तुमसे तुम्हारी तस्वीरें मांगे उसे दस्ती कॉन्टेक्ट खत्म करो, एक्सक्यूज देने की समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा मुंह पर लानत भेजो और ब्लॉक करो। क्योंकि बाज लोगों के लिए इज्जत ना सिर्फ उनके घर की औरतों की होती है, अपनी बहन को अबाई में लपेट के घर से बाहर भेजने वाला दूसरों की बहनों से पिक्चर्स और वीडियोस मांग रहे होते हैं। अगेन मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बेगैरत ऐसी फरमाइशें करते हैं। और लड़कियाँ बेवकूफी में और सो कॉल्ड मोहब्बत और फीलिंग्स के नाम पर मैनिपुलेट होकर पिक्चर्स दे भी देती हैं। यार बहनों आंखें खोलो, कल को तुम्हारी यही तस्वीरें तुम्हें ही ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए तुम्हारी अपनी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। और दूसरी तरफ वो लोग जो राबी पीरजादा की वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कि यार एक बात बताओ, अपना मरना भूल गए हो क्या? हमेशा के लिए इस दुनिया में आए हो, मर के अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या? वीडियो को शेयर करने का हिसाब नहीं दोगे क्या? नहीं, मैं सोचती हूँ कि कितना कोई गिरा हुआ और घटिया इंसान होगा वो जो इस तरह की वीडियोस शेयर करता। फिर यार तुम्हें पता भी है कि कितना गुनाह कमा रहे हो, एक तो किसी के ऐप को लोगों के सामने खुलेआम शो कर रहे हो, फिर ऐसी चीजों को देख रहे हो। अरे औरत पर तो खुद से डालने वाली दूसरी नजर भी गुनाह है, अल्लाह ने पहले तुम्हें अपनी नजरें नीचे करने को कहा, पर भाई तुम तो भेड़िया ही बन जाते हो ऐसी वीडियोस देखते और शेयर करते हुए। नेक लोग ना अपनी जिंदगी में सदका जारिया करके जाते हैं, कोई ऐसा सवाब का काम जो मरने के बाद भी उन्हें सवाब पहुंचाता रहे। कभी सोचा कि तुम ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करके तुम क्या कमा रहे हो? जब तुम्हारी शेयर की भी वीडियो कोई देखेगा उसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। वो वीडियो देखने के बाद फिर वो बंदा वो वाली वीडियो किसी और के साथ शेयर करेगा, और इस तीसरे बंदे के देखने का भी तुम्हें गुनाह होगा। अब जब ये चेन शुरू होगी तो भैया तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें उसका गुनाह मिलता रहेगा, कब्र में तुम्हारा अजाब कॉन्स्टेंट ही रहेगा। 2 मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया भी खराब आखिरत भी खराब। सोचो जरा, रोजे मेशर वो लड़की तुम्हारा गिरेबान पकड़ के ये कहे कि इस आदमी ने मेरी इज्जत को रोंदा था, मुझे दुनिया में बदनाम किया था, मेरी वीडियोस शेयर की थी और मेरी जिंदगी इस आदमी ने मुश्किल की थी, तो तब वहाँ क्या कहोगे? पता नहीं तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं या सर के ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन इन शॉर्ट अपने काम से काम रखो, किसी को ह्यूमिलिएट ना करो, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। दूसरों के ऐबो पर पर्दा डालो और उनको उछालना बंद करो। खैर तुम बताओ, तुमने कितने लोगों को ऐसी हरकतें करते देखा है, और जो ऐसी हरकतें करते हैं मुझे बताओ कि उनके साथ क्या होना चाहिए। और आज के लिए क्विक सी वीडियो के साथ इतना ही था, मेरी लास्ट वीडियो ये रही, हाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।